संघर्ष हमारा था। इतनी बात कर सकते हैं भाई, मैं रामकृष्ण जाने का छात्र, हम यहाँ मांग क्यों लेके आए हैं, हमारा एक ही मुद्दा है कि इन्होंने जो क्लासेस स्टार्ट की, मिड फेब्रुअरी में स्टार्ट की है और 17 तारीख को स्टार्ट होती है, वीरवार को क्लास अगर स्टार्ट होती है तो 20-21 को इनकी स्टार्टिंग पढ़ाई स्टार्ट होती है, और उसमें भी बीच से लेकर मान लो कि 20 मार्च से हमारा क्या एक महीना हो रहा है, उसमें भी 2-3 बार उनका स्ट्राइक रही है, उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकल से कई महाविद्यालयों में हार रहे हैं और कई पढ़ाई अभी तक महाविद्यालय में ऑनलाइन चल रही है, और हम DUBC से यही मांग करना चाहते हैं कि आप हमें OBE क्यों नहीं दे सकते। अगर हम पहले पूछते संगठन बैठे थे वो पूछते, कईयों को वो बुद्धू बना के बोल रहे थे, हाईकोर्ट में कईयों को बोलते UGC हमें दे नहीं रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इसी साहब से, ये बताइए कि छात्रों की आपको इनकार क्यों नहीं सुनाई दे रही है, अब किस बात में मगर लोग यहाँ बैठे हुए आपको सामने खाने रुई लगा के बैठे, आप ये बताइए आप, और यहाँ महाविद्यालय के जो दक्षिण शिक्षक है जो वो भी यही चाहते हैं कि वो भी हो, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसमें हमारे जो मैं जूलॉजी ऑनर्स का छात्र हूँ, हमारे जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसमें आधे पेरेंट्स छूटे हुए थे और आधे जो दिखाए गए हैं हमें उनके हालात जो 2 साल से उनके बन गए हैं वो हमें देखने की जो कि नहीं है। ये पढ़ो, ये देख लिया मैंने, देख लिया DCPSC भी आपसे अभी एक नोटिस निकला है, हम ऐसे तरफ से लेके आते हैं परमिशन, और पूरे 12 बजे SCP ऑफिस से वो 3 चीज के बड़े एप्लीकेशन नहीं, हमें 2 घंटे में भी चाहिए ये जब जब इसे जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गोल करेगा, इसके अलावा फ्लैगिंग इतनी अच्छी है वो करवा सकता है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी रात में 1:30 बजे निकाल सकता है, DU कौन सा है, IIT क्या चीज है, फ्लैगिंग में नाम नहीं है, उसके बाद इनको करवाना है ऑफलाइन पेपर, जो BHU चौथा स्थान लेकर बैठा हुआ है वो करवा रहा है ऑनलाइन पेपर, इनको करवाना है ऑफलाइन, बताइए यू कह रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है, कैसा हाईकोर्ट का, हम कह रहे हैं हाइब्रिड मोड में, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार है अब, लेकिन ये करवा रहे हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अफिलिएशन बात की है वो करवा सकती है, BHU जहाँ 5.5 लाख लड़का एंट्रेंस देता है 250 सीट के लिए, इतना प्रेस्टीजियस है वो करवा सकता है, तो यहाँ का नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, अनिश्चितकालीन में मृत्यु का चलेगा कैमरे के आगे भाई, सवाल बहुत आ गए यार, जब माइक बोलते हैं कैमरे के आगे भाई गाएगा आपसे गाना कैमरे के आगे छोड़ दे, ये है कि सब बच्चे बैठेंगे एक साथ और रहेंगे भूखे रहेगा आप रहेंगे आप हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आया मैं खुद पेटिशनर था, मैं हाई कोर्ट में जाके भाई आओ आगे आओ उनको एग्जाम टांगना पड़ा, अरे आओ यार अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं वेट करो, ये आप जब यूनिवर्सिटी बात कर रहे थे उसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिया था, और जो नॉर्थ कैंपस है साउथ कैंपस है वो भी आते हैं, आप जूम ऐप पे जो जो हमारा ऑनलाइन आप क्लास लिए उसमें बेसिक चीज़ को सही से समझाया नहीं, हमारा बेसिक न्यू जो है वो कमजोर हो गया, अब आप कह रहे हैं हम ऑफलाइन एग्जाम देंगे, हम कैसे तैयार हो जाएंगे कि ऑफलाइन देंगे, और SLL में विद्यार्थियों का ये हाल है कि उनका कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पता नहीं है, 2 महीने बाद आप एग्जाम दे रहे हैं, हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिला हुआ है, अभी हमारा मतलब देश का प्रधानमंत्री जो है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है और हमारा पर्चा ही नहीं भरा जा रहा, हम उसके लिए क्या करें, तो हम पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम के समर्थन में हैं, हम ऑफलाइन एग्जाम का विरोध करते हैं, और वही नहीं DU का सारा विद्यार्थी वो इसका विरोध कर रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम जो है नहीं होंगे ऑनलाइन एग्जाम, संवैधानिक अपील करिए, हमारा अधिकार है और हम ये लेके रहेंगे, हम एग्जाम जो है जब आप आए नहीं तो एग्जाम कैसे, आपको एग्जाम लेना नहीं मिला।